मैं छोटा था, दादा के पास रामायण तो पढ़ता था, तो मेरी माँ जब घास काटने जाती थी गाय के लिए और रसोई के लिए, चूल्हा चेताने के लिए, ईंधन के लिए, तो मैं साथ जाता था एक घास की घासड़ी चढ़ाने के लिए। मुझे वो मूंग की सिंग पकड़वा देती थी तो मैं खाता था, मूंग की सिंग होती थी और माँ घास काट लेती थी। तो हम एक बार आ रहे थे तो मेरे पैर में काटा चुभ गया, दुख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो कांटे की पीर के कारण लंगड़ाता चलूंगा तो मुझे जो दर्द हो रहा है इससे मेरी माँ को ज्यादा होगा, तो मैंने दबाया कि उसको पता न चले, सावित्री माँ को पता न चले। तो मैं बहुत दबाने गया ना साहब, तो कांटा अंदर टूट गया। अब तो फिर क्या करे, फिर भी मैंने नाटक किया कि पता न चले। लेकिन जब घर आया तो मेरे सदगुरु भगवान दादा बैठे थे, तो वो तो गुरु वो होता है हर कुछ एक क्षण में पहचान ले। मैंने कोशिश बहुत की कि दादा को तो माँ से भी ज्यादा, क्योंकि गुरु तो माँ की भी माँ होती है, बाप का भी बाप होता है, साक्षात परब्रह्म का दर्जा मेरे देश की सभ्यता ने उसको दिया है। तो मैंने सोचा कि दादा को खबर पड़ेगी तो वो ज्यादा दुखी हो जाएंगे, अथवा तो माँ को डांटेंगे कि क्यों ले गए आप उसको। तो मैंने और कोशिश की, तो तब तक तो माँ को भी पता लग गया कि कांटा लगा टूट गया दादा ने। तो फिर माँ ने अपनी जो देहाती मर्यादा थी वो मर्यादा से तो दादा को, मेरी माँ ने कहा कि दादा, हमारे गांव में एक माधा बाबर था, नाई था, ये दादाजी की बहुत सेवा उसने की, बहुत यानी हमसे बाजी मार गया ये आदमी, इतनी सेवा की उसने, इवन दादा को डांटता भी था कि अब आप समय पर सो जाओ, नहीं ये इतना वो निकट हो गया था। तो वो नाई था, तो देहातों में जो जिए होंगे तो कांटा लगता था तो या तो कोई मोची की दुकान पर जाए तो वो निकाल देता था, या तो बाबर जो नाई होते वो अपने उसे से निकालता था। तो माँ ने मर्यादा से दादा को कहा कि दादा कांटा टूट गया है तो माधा को बुला लो। उसके शब्द जो मेरी स्मृति में गूंज रहे मैं आपको सुना, तो दादा ने कहा कि मेरी माँ को सावित्री कहते, मेरी माँ का नाम सावित्री, सावित्री एक सुई दो मुझे, सुई दो, और माँ ने सुई दी कि दादा माधा को बुला लो ना, एक मिनट में निकाल। बोले नहीं, आज इसका माधा मैं हूँ। मैं क्यों ये कहता हूँ कि केवल आश्रित ही गुरु का पैर पकड़े तब तक अधूरा है, गुरु तुम्हारा पैर पकड़ अपने गौठण पर रखकर तुम्हारे भीतरी कांटा निकाले, उसी का नाम गुरु है, वो तुम्हारा चरण पकड़े। और देहातों में आपने देखा होगा जब कांटा चुभता है तो माँ या जो कोई बड़े होते हैं गोद में ले लेते हैं और एक पदार्थ वहां लगाते जाते हैं, उसका मैं नाम न लूं, मुख से पदार्थ लगाती फूंकती जाती है कि चुभे ना। गुरु वो है, केवल शिष्य ही उसका पैर पकड़े नहीं, आंतरिक कई प्रकार के कांटा अथवा तो कौटा, अहंकार, उसको गुरु के बिना कौन निकाल सकता है, ऐसी गुरु की महिमा कोई पार नहीं पा सकता। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।